चलो यार स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सभी जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड दैट इज़ नेम बाय रक्षिता सिंह। प्लीज़ आप लोग जाएं और जाके उसको ज्वाइन कर लेना रक्षिता सिंह से, ठीक है? ओके जी, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ क्या होती है न्यूक्लिक एसिड्स? फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर मेरे अंदर आए हैं, ठीक है? तो अपने पास क्या हो गया, कुछ हम लोग के पास होते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेरी मम्मा से मेरे अंदर कुछ कैरेक्टर्स पास हुए, जैसे मेरी मम्मा इतनी समझदार थी तो मैं भी, पता ही है तुम लोग को कितनी समझदार हूँ, देखते ही हो तुम लोग मेरे को कितने समझदार हो। तो अपने पास क्या हुआ, वो कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए। हम कल क्या कर रहे थे, जो अपन ने मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम पढ़ते थे मोटा मोटी चीज़ों को। क्या मोटा मोटी पढ़ते थे, हम कहते थे कि अपना जो जीन्स होगा वो जीन्स आगे पास करेगा, लेकिन उस जीन्स के अंदर भी क्या ऐसी चीज़ होती है जो पास करती है, तो उसके अंदर भी अपने पास होता है डीएनए या फिर अपने पास होता है आरएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी? तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अपने पास क्या होता है, इसी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कौन कैरी करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैरी करता है। एंड इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली ऑर्गेनिजम्स का ये जेनेटिक मटेरियल हम लोगों के पास होता है। दूसरी चीज अपने पास क्या है, अनदर वन इज द आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड सभी के अंदर नहीं लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर, इन सम वायरसेस, वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम किसके अंदर करता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर करता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम किसके अंदर करता है, कुछ वायरसेस के अंदर करता है। साथ में आरएनए के कुछ फंक्शंस और होते हैं, और वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देखो यार अब बेचारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचवा नहीं पाया, अदरवाइज डीएनए तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचवा रहा है, ये भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचवा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में कौन पहुंचवा रहा है, डीएनए, ये नहीं पहुंच पाया। तो इसने सोचा कि ठीक है मैं अपना बस्ता लेके सबको चिट्ठियां पहुंचाना स्टार्ट कर दूंगा। इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसने काम करना स्टार्ट कर दिया एक मैसेंजर की तरह। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड ने एक मैसेंजर का काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब वहां पे कुछ लोगों ने उसको चाय पानी दिया होगा, कुछ ने उसको चाय पानी नहीं दिया होगा, तो कहीं पर ये किसकी, वहां पर उसको क्या करना पड़ा, बेचारे को अडेप्ट करना पड़ा। मैसेज पहुंचा के आता है ना ये, तो वहां पे अडेप्ट करना पड़ा, अडेप्टर की तरह काम करता है। साथ में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा होता है हम लोगों के पास, तो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और साथ में अपने पास किसकी तरह काम करता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम करता है। तो अपना इस पेज के अंदर क्या क्या चीजें थी, चलो इस पेज को फटाफट से खत्म करते हैं। इस पेज में न्यूक्लिक एसिड अपने पास दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से दो तरीके के होते हैं, वन इज डीएनए, अनदर वन इज आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल। दूसरा अपने पास क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये मोस्टली का जेनेटिक मटेरियल तो नहीं होता लेकिन किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल अपने पास होता है। साथ में अब जेनेटिक मटेरियल सबके अंदर तो नहीं पहुंचवा पाया, मैसेज तो पहुंचवाएगा, मैसेंजर का काम करेगा, अडेप्टर का, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल का, कैटालिटिक मॉलिक्यूल का। चलो अब सभी लोग मेरे साथ फटाफट से रिपीट करेंगे, इस इन चारों पॉइंट्स को हम याद करेंगे, मैसेंजर, अडेप्टर, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, कैटालिटिक। देखो एक तो मैसेज पहुंचवा रहा है, वहां पे बेचारे को चाय पानी मिला होगा नहीं मिला होगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, कहीं पे उसी को बेचारे को अपना स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बदलना पड़ता होगा, साथ में अपना बेचना है उसको सामान, मैसेज पहुंचवाना है तो कैटालिसिस फास्ट होनी चाहिए। तो अपने पास क्या क्या हो गया, मैसेंजर, अडेप्टर, स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल एंड कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ये चार चीजें हम लोग के पास यहाँ पर हो गई। चलो अब हम लोग करते हैं डीएनए के बारे में, द डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म क्या है हम लोग के पास, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या हुआ, उस ही से तुम लोगों को पता चल रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें से तोड़ के देखो एक एक क्या निकल के आया, इसमें से हमारे पास निकला डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स।
डीएनए किससे मिलकर बना होता है? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मान लो मुझे, मान लो मैं किससे मिलकर बनी हूँ? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड से। मान लो ये क्या है, ये मेरी शर्ट पे देखो, मान लो ये क्या है, ये मेरे पास डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है, मैं इनसे मिलकर बनी हूँ। मुझे क्या करना है, तुम्हें बतानी है कि मेरी लेंथ कितनी होगी। तुम क्या करोगे, तुम इनका नंबर कैलकुलेट कर लोगे। तो जितना यहाँ पर क्या हो गया, चार, चार अपने पास है, इनका नंबर कैलकुलेट करते ही तुम्हें लेंथ पता चल जाएगी। तो हाउ डू यू डिफाइन लेंथ ऑफ डीएनए? डीएनए की लेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर अपने पास होगा, वो हम लोग को क्या बता देगा, वो हमें बता देगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ कितनी होने वाली है। ठीक है जी, ओके ओके। अब तुमने कहा ये फिर ये दीदी बेस पेयर क्या होता है? बेस पेयर कुछ नहीं होता यार, एक न्यूक्लियोटाइड और उसकी बहन। अब ये क्या बन गए, ये बन गए, बहन तो छोड़ो, चलो एक न्यूक्लियोटाइड है, उसकी बाबू, बाबू या सोना, जादू टोना, बाबू सोना जादू टोना, जो भी तुम लोग को मानना है वो मान लो। तो अपने पास ये क्या है, डीएनए है, उसका बाबू सोना जादू टोना तुम लोगों के पास है। तो बाबू सोना जादू टोना अगर तुम लोगों के पास है, तो इस वाले केस के अंदर हम लोग के पास क्या हो गया, इस वाले केस के अंदर बाबू सोना जादू टोना हम लोग के पास है, तो ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। अगर ये आपस में भाई बहन है, तो सॉरी भाई बहन नहीं है ना, बाबू सोना जादू टोना को दीदी ऐसे मत करो दीदी, भाई बहन बना दिया दीदी आपने, आज तो आपने दिल तोड़ ही दिया दीदी, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, सॉरी यार गलती से निकल गया मेरे मुंह से निकल गई। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे हम दोनों के, ये क्या है, हम लोग के पास आपस में है, तो अब बाबू सोना है ये बेचारे, तो इन दोनों के पेयर को, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों का पेयर यही जिंदगी का आधार बना रहे हैं, यही जिंदगी का बेस बना रहे हैं, तो इन दोनों के पेयर को क्या बोला जाता है, इन दोनों के पेयर को बोला जाता है बेस पेयर। तो अर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के पेयर को क्या कहते हैं, बेस पेयर। तो क्या सभी लोगों को दोनों टर्म्स क्लियर हो गई, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा क्या होता है, बेस पेयर। अब हमारा डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा वही हमें बताएगा कि कितनी अपनी डीएनए की लेंथ है। दूसरा अपने पास बेस पेयर के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भी तुम लोगों को पता है बाबू सोना जादू टोना आपस में बात करते रहते हैं, वो आपस में बात करते रहते हैं बेचारे, लगे रहते हैं जो मेरा वही तेरा, तो जो न्यूक्लियोटाइड का वही अपने बेस पेयर का हो गया। तो अगर मैं बात करूं अपने बैक्टीरियोफेज भाई में, बैक्टीरियोफेज सबसे पुराने जमाने का, सबसे पुराने जमाने का, तो उस टाइम पे लोग जो होते थे वो संस्कारी होते थे, हम जैसे निकम्मे नहीं होते थे, उस टाइम पे वो लोग सिंगल रहते थे, मस्त सिंगल रहते थे, लेकिन इस तरीके के लोग कम ही होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, 5386। फिर क्या आया, फिर लैम्डा का ज़माना आया, लैम्डा, लैम्बर्गिनी को कुछ ऐसे ही समझ लो, कुछ भी याद कर लो, तो बैक्टीरियोफेज में ही लैम्डा का ज़माना आया। अब क्या हुआ, अब अपने न्यूक्लियोटाइड्स ने बाबू सोना जादू टोना करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास बेस पेयर होना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये भी अभी लैक्स में वहाँ पर नहीं पहुँचा है, ये भी अभी किस में है, थाउजेंड्स में है, 48,502। नेक्स्ट अपने पास क्या है, असर्शिया कोलाई, असर्शिया कोलाय के अंदर, और फिर लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा हम ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कितना, 3.3 × 10⁻⁹, 3 3 9, तो पावर भी 9, याद हो गया तुम लोग को ह्यूमंस का कितना, 3.3 × 10⁻⁹, 3 3 9, और वही पावर में है। तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हम लोग के पास कितना होगा, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, ये हम लोग के पास क्या हो गया यार यहाँ पे ह्यूमन डीएनए के अंदर। दूसरा असर्शिया कोलाई में, असर्शिया कोलाई के अंदर कितना होगा, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स अपने पास यहाँ पर होंगे। तो मैंने तुम लोग को चारों चीजें याद करवा दी, सबसे पहले सिंपल थाउजेंड्स में है, फिर हम कहां पर जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा 10,000 के अंदर जाएंगे, और फिर आगे अगर अपन बात करेंगे असर्शिया कोलाई के अंदर, तो वहां पे 4.6 × 10⁶ और ह्यूमन के अंदर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। यहां पे सभी के सभी चीजें किसकी फॉर्म में आ चुकी हैं, बेस पेयर्स की फॉर्म में आ चुकी हैं। इस वाले केस में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या ये वाला आधा पन्ना सभी लोगों को याद, सबसे पहली बात डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए इज
इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग पॉलीमर है. उसके बाद अगर मुझे इसकी लेंथ बतानी है तो कितने डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनकी हेल्प से मैं यहाँ पर बता दूंगी. तो अपने पास क्या है, अगर बैक्टीरियोफेज की बात करूँ तो 5386. अब अपने को थोड़ा और मॉडर्न बनना है, लैम्बर्गिनी का जमाना आ गया है बैक्टीरियोफेज में, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, 48502. असर्शिया कुलाई में 4.6 × 10 की पार 6 बेस पेयर्स. हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन उसके अंदर कितना होगा, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स अपने पास यहाँ पर हो जाएगा. तो ये पूरा का पूरा पोर्शन तुम लोगों को सभी को याद. अब देखो यार, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपने पास बनती है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, चलो ठीक है. अब इसको तोड़ते जाते हैं. देखो मैंने क्या बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चलो ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मैंने बोला. यहां पे स्ट्रक्चर तुम लोग को वैसे ही पता चल गया, मैंने बोला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉली का मतलब मैनी और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा. इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या होगा, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हम लोगों के पास यहाँ पर क्या बनाएंगे, इस चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है जी. तो अपने पास यहाँ क्या हो गया, देखो हम लोगों के पास क्या है यहाँ पे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे. अब तुम लोग कहोगे ओके जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बनाएंगे, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, ये न्यूक्लियोटाइड को कौन बना रहा है अपने पास, वो तो बता दो. तो इसके अंदर होती हैं यार तीन चीजें, क्या क्या चीजें, एक तो अपने पास होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप. क्या क्या होती हैं, तीन चीजें होती है, ध्यान से देखते जाओ. वन इज नाइट्रोजिनस बेस, एक तो क्या हो गया नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर. वन बाय वन करके तोड़ते जाओ. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डीएनए के अंदर मैंने क्या कहा था, ये अपने पास न्यूक्लियोटाइड्स से, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है, तो यहां पर क्या क्या एक शुगर होगी, खाना तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत. तो एक तो क्या है हम लोग के पास, शुगर. एक बात बताओ यार, देखो इसको कुछ लोग को याद ही नहीं होता क्या क्या कंपोनेंट्स थे, क्या क्या कंपोनेंट्स थे ये हम लोग को याद नहीं होता. देखो कैसे याद करोगे, बहुत इजीली चीज़ों को तुम लोग को बताऊंगी, कैसे सुनते जाना. कोई बात नहीं, मत करो कमेंट, मैं कमेंट नहीं देख रही अभी, जस्ट मैंने देखा है. टेंशन मत लो, स्पैमर्स की टेंशन मत लो तुम लोग, कमेंट करने की तुम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग काम करते चलो ठीक है. स्पैमर्स की टेंशन मत लो, अब मैंने कमेंट देखना ही बंद कर दिया. डोंट वरी अबाउट द स्पैमर्स, तुम लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो. आई जस्ट वॉन्ट जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए वापस हूँ यहाँ पे, उनके लिए बैठी हूँ यहाँ पे, जितने लोग, 1000 लोग तो पढ़ना चाहते हैं कम से कम, ठीक है. तो आप लोग को कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. कमेंट मत करो, ध्यान से सुनते जाओ ठीक है, इसमें तुम लोग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट ओके. देखते जाओ सुनते जाओ. तो अपने पास यहाँ पर क्या है, मान लो तुम लोगों को क्या रहना है, तुम लोगों को जिंदा रहना है. जितने भी चैप्टर्स अभी तक तुम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, वहाँ पे जिंदा रहने के लिए तुमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, एक तुम्हें ऑर्गेनिक चीज़ की ज़रूरत होती थी, और एक तुम लोगों को इनऑर्गेनिक चीज़ की ज़रूरत होती थी, दो चीज़ों की ज़रूरत होती थी. यहाँ पर डीएनए में भी ऐसा ही मान लो, चलो डीएनए में ऑर्गेनिक की तरह कौन काम करेगा, एक शुगर ऑर्गेनिक चीज़ की तरह काम करेगी, और इनऑर्गेनिक के अंदर अपने पास वहाँ पर पेंटोज शुगर इनऑर्गेनिक की तरह हम लोग के पास काम करेगा. पेंटोज शुगर किसकी तरह काम करेगा, इनऑर्गेनिक की तरह काम करेगा, दैट्स इट. तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एक तो हमारे पास है नाइट्रोजिनस बेस तुम लोग मान के चलो क्या हो गया हम लोगों के पास यहाँ पर, इनऑर्गेनिक की तरह काम कर रहा है. दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर ऑर्गेनिक वाले की तरह काम कर रही है. और एक और चीज़ लास्ट में ऐड होती है, वो क्या होती है हम लोग के पास, फॉस्फेट ग्रुप की ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, मेनली किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजिनेज वाले पोर्शन की बात करेंगे. सबसे
इससे पहले तो यार मेरे को एक चीज तुम लोग बता दो, क्या इतना सभी लोगों को याद हुआ कि अपना जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलकर बना होता है? मैंने क्या बोला, एक तो अपना ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है हम लोगों के पास पेंटोज शुगर, याद करने का तरीका। दूसरा इनऑर्गेनिक पार्ट वाला, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हम लोग के पास कौन सा है? इनऑर्गेनिक वाला पार्ट हम लोग के पास क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। चलो ठीक है जी, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो गया नाइट्रोजिनस बेस। और तीसरी चीज हम लोग के पास क्या है? तीसरी चीज अपने पास है फॉस्फेट ग्रुप। क्या ये तीनों की तीनों चीजें सभी को याद हो गई? अगर इतना सबको याद हो गया उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी, पहले फटाफट से मुझे बता दो क्या इतना सभी लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ? इतना सभी लोगों को याद? चलो यार ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है सभी लोग को अगर याद हो गया। तो अपने पास यहाँ पे क्या है यार, इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बने होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स से। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ तो उसमें एक थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन रहेगा, एक थोड़ा सा इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन रहेगा और एक फॉस्फेट। चलो पेंटोज शुगर, अगर तुम्हारे पास डीएनए है, डीएनए का नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहां पर पेंटोज क्या है? पेंटोज यहां पर नाम क्या है तुम्हारा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो शुगर भी क्या होगी? डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। आरएनए के अंदर तुम्हारा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो शुगर भी कौन सी होगी? शुगर भी तुम्हारे पास वहां पर हो जाएगी राइबोज। तो अपने को न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सबको याद, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, रिपीट करो मेरे साथ फटाफट से, कौन कौन सी तीन चीजें? नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फेट ग्रुप ही होता है। अगर पेंटोज शुगर की बात करूं वो दो तरीके का हमारे पास हो गया। कौन कौन से दो तरीके का? अगर आरएनए है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोज, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब वहां पर डीऑक्सीराइबोज अपने पास वहां पर हो गई। ठीक है, अब नाइट्रोजिनस बेस क्या कह रहा है? बहुत भाव दे दिया तुमने इसको, पूरा डीएनए और आरएनए एक्सप्लेन कर दिया, हमें भी जरा सा भाव दो, तनिक हमें भी भाव दो। तो क्या कर रहा है ये? पी 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 पी, मुझे भी भाव दो, मुझे भी भाव दो, पी 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 बजा रहा है। चलो ठीक है जी, पी पी बजा रहा है मतलब पी एंड पी। अपने पास क्या होता है? प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। क्या क्या हो गया हम लोगों के पास? वन इज अ प्यूरिन, अनदर वन इज अ पायरामिडीन। और इसका क्या होता है? इसके अंदर बहुत ही आसान ट्रिक है, ए जी क्यूट। अपने ए जी जो है ना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ जो मैं वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या है? अपने जो ए जी हैं, अपने जो ए जी हैं वो क्या है? वो है क्यूट। हम लोग के ए जी क्या हैं? हम लोग के ए जी यहाँ पर हैं क्यूट। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस बेस पी 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 हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, उसके अंदर क्या है? ए जी क्यूट, एडनीन ग्वानीन साइटोसिन यूरैसिल थाइमिन, याद, एडनीन ग्वानीन साइटोसिन यूरैसिल थाइमिन, याद हो गया, दैट्स इट। ए जी क्यूट, ए जी, और ये क्या है? क्यूट। ऐसे भी तुम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, क्यूट किस में था, ए जी किस में था? ए जी एक वर्ड है तो वो प्यूरिन्स में, क्यूट ए दूसरा वर्ड है तो वो पायरामिडीन्स में। तो क्या क्या बना था हम लोग का न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना था नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज शुगर से, देन फॉस्फेट ग्रुप से। पेंटोज शुगर क्या होती है? दो तरीके की, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है तो डी ऑक्सीराइबोज, राइबोन्यूक्लिक एसिड है तो राइबोज। देन नाइट्रोजिनस बेस क्या कर रहा है? पी 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 पी, तो उसके अंदर क्या है अपने पास? अपने ए जी क्यूट हैं, हमारे ए जी क्या हैं? क्यूट, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए जी कुटे, ए जी की कुटाई हुई। तो तुम्हें अगर क्यूट ए जी अच्छे लगते हैं तो क्यूट ए जी ले लो, और ए जी को देखते ही अगर कुटाई करने का मन करता है, अपनी मम्मा से पूछ लो, कुटाई करने का ही मन करेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? ए जी क्यूट, मुझे तो यार क्यूट ही लगते हैं, तुम्हारा पता नहीं, हाय। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के पास यहाँ पर ए जी क्यूट। चलो ओके, तो साइटोसिन इज कॉमन टू बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब अपने पास क्या होता है यार हम लोगों के पास? देखो ये हम लोग को याद हो गया, अब मैं थोड़ा सा नाइट्रोजिनस बेस के बारे में आपसे डिटेल में बात करने जा रही हूँ। अब देखो हम लोग के पास क्या है, ये है हमारा नाइट्रोजिनस बेस।
नाइट्रोजिनस बेस में मैंने आपको ट्रिक बता दी है, दो चीज़ें अपने पास यहाँ पे होती हैं, पी पी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। चलो ए जी क्यूट सी यू टी ई से कुछ होगा ही नहीं, सी यू टी तक होगा, एडनीन ग्वानीन। प्यूरिन्स तो सबके अंदर होते हैं, चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए हो, सभी में होंगे। साइटोसिन भी सभी में होगा, लेकिन यू एंड टी अपना जो यूरेसिल होता है वो कहाँ पर होता है, वो हम लोगों के पास यहाँ पे आरएनए में प्रेजेंट होता है, एंड थायमीन दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। थायमीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो थायमीन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, डीएनए में प्रेजेंट होगा। डन। इतना सभी लोगों को याद हो गया यार, सभी लोगों को इतना याद हो गया। चलो तो हम लोग के पास क्या हो गया, अपना जो यू है, यू मतलब तुम, तो तुम कहां पर है, अपना ये एजी ओजी कौन गा रहा है रे। तो यू किसके अंदर हो गया, यू मतलब तुम ले लो। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर होता है डीएनए। हमने यू को क्या बोला, हमने यू को बोला जाओ जाओ भाई, जाओ तुम ले लो, यू आरएनए भाई, यू तुम ले लो, यू ले लो, यू को यू ले लो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, थायमीन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, डीएनए में, और यूरेसिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, थायमीन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डन। ओके जी, ओके ग्रेट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इनको हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, अब इनको हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, वो सब काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या सभी लोगों को नाइट्रोजिनस बेस क्या क्या होते हैं, पेंटोज क्या क्या होते हैं, फॉस्फेट क्या क्या होते हैं, पहले हमने ये इजीली याद कर लिया कि हम लोगों का यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस से मिलकर बना होता है। तो जो अपना न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है अपने पास, वन इज द नाइट्रोजिनस बेस, एक तो क्या हो गया हम लोग के पास नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा क्या हो गया, दूसरी हो गई पेंटोज शुगर, तीसरा क्या हो गया हम लोग के पास फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तो मैंने बताया इनसे मिलकर बना होता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है। चलो ठीक है जी, कनेक्ट करते हैं। तो अपने पास क्या है, अ नाइट्रोजिनस बेस। तो कौन हम लोगों का, ये नाइट्रोजिनस बेस मुझे किससे जोड़ना है, मुझे इस नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ना है पेंटोज शुगर से। तो उससे किसकी हेल्प से, शुगर कहते ही तुम लोगों को क्या याद आता है, मुझे तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन याद आता है। शुगर कहते ही मुझे तो ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन याद आता है, तुम्हें भी यही आता है क्या, मुझे तो ये आता है। नाइट्रोजिनस बेस कहते ही एन याद आता है। इन दोनों के बीच में अगर मुझे बॉन्ड बनवाना है तो कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम लोगों के पास कौन सा बॉन्ड यहाँ पर होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अपने पास यहाँ पर होगा। तो नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड होगा हम लोगों के पास पेंटोज शुगर के साथ, किसकी की हेल्प से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है, साइड में बैठे हैं, इनको फॉस्फेट के साथ जोड़ देंगे तो क्या बना देंगे, ये न्यूक्लियोटाइड हम लोग के पास बना देंगे। तो अपना न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना था, हम लोगों का न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना था नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, ये दोनों, इसके अंदर एन याद आ रहा है, इसको सोचते ही ग्लूकोज या ग्लाइकोजन याद आ है, तो अपने पास इसका नाम क्या हो गया, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके जी, सिर्फ याद करने के लिए बताया मैंने तुम लोगों को, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इनके बीच में होता है, और इन दोनों को
मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड था, इन दोनों को मिला बनाकर हम लोगों ने साइड में लगा दिया। अब बाद में अपने पास क्या करेंगे, फॉस्फेट को जोड़ देंगे और फिर अपना मेन स्ट्रक्चर बनवा लेंगे। तो इन दोनों को बना के हमने साइड में लगा दिया थोड़ी देर के लिए, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर बना देंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर क्या बन गया यार, ये मेरे पास यहाँ पर बन गया था न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करूं, उनके नाम कैसे कैसे होते हैं, अब पेंटोज शुगर के नाम क्या क्या होते हैं, पेंटोज सॉरी नाइट्रोजनस बेस के नाम क्या क्या होते हैं, एडनीन, ग्वानीन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, यही नाम होते हैं। तो यहाँ पर साथ में पेंटोज शुगर भी जुड़ गई, तो अब नाम क्या हो जाएंगे, अब नाम हो जाएंगे एडिनोसिन। अपने पास डीएनए के अंदर एडिनोसिन नहीं होता, डीऑक्सीएडिनोसिन, क्योंकि वहाँ पर डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है ना, राइबोज शुगर वहाँ नहीं होती, वहाँ डी ऑक्सी राइबोज शुगर होती है, तो एडिनोसिन। अगर डीएनए में बात करूँ तो डी ऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन या फिर डी ऑक्सी ग्वानोसिन, साइटेडिन या फिर डी ऑक्सी साइटेडिन, ठीक है जी, यूरिडिन, यूरिडिन या फिर डी ऑक्सी थाइमिडिन, ये सभी के सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी के सभी हम लोगों के पास हैं न्यूक्लियोटाइड, ये सभी सॉरी न्यूक्लियोसाइड, ये सभी के सभी क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जैसे ही मैं फॉस्फेट जोड़ूंगी, तो अपने पास क्या हुआ, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फेट को जोड़ा है तो क्या बॉन्ड होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हम लोगों के पास यहाँ पर होगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, मुझे फाइनली यहाँ पर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, या फिर अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। क्या सभी लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आई, क्या सभी लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब देखो लास्ट टाइम मैं दोबारा इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने पास क्या था, हम लोगों के पास यहाँ पर हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, दो चीज़ें अपने पास होती हैं, या तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड किसके अंदर, आरएनए के अंदर, या फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर होता है, डीएनए वाले केस के अंदर। चलो हम लोगों को क्या करना है, जैसा न्यूक्लियोटाइड होगा वैसा ही डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा, एक छोटा सा चिन्नू सा डिफरेंस आएगा, और वो चिन्नू सा डिफरेंस क्या आएगा अपने पास, वो चिन्नू सा डिफरेंस अपने पास ये आएगा कि हम लोगों को वहां पर डीऑक्सी वर्ड यूज करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कोई डिफरेंस हम लोग के पास नहीं आएगा। तो न्यूक्लियोटाइड की बात अपन कर लेते हैं यार, हम लोगों के पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस किस से मिलकर बना है, तीन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सी तीन चीजें, एक थोड़ी सी अपने पास क्या होगी, एक हम लोग के पास ऑर्गेनिक वाला पोर्शन, एक अपने पास क्या होगा, इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ठीक है जी। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन अपने पास यहाँ पे कौन सा है, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन हम लोगों के पास यहाँ पे कौन है, पेंटोज शुगर, ठीक है। तो एक तो क्या हो गई हम लोग के पास, पेंटोज शुगर हो गई, दूसरा अपने पास क्या है, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे इन ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, और लास्ट में हम लोग के पास क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। चलो ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, पेंटोज शुगर की बात करते हैं। पेंटोज शुगर अगर डीएनए है तो क्या हो जाएगी हम लोगों के पास, डीऑक्सीराइबोज, मैंने बोला ना बस डीएनए में तुम लोगों को डीऑक्सी वर्ड लगाना है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, और अगर मैं किसकी बात करूं आरएनए की, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा राइबोज, आरएनए में राइबोज। अगर अपन नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, इनमें अब करेंगे हम लोग पी पीप अगर करेंगे, तो पी पीप करते टाइम अपने पास यहाँ पे क्या क्या मिलता है, ए जी अपने पास क्या होंगे, अपने ए जी क्या हैं, अपने ए जी हैं क्यूट, ठीक है जी। तो ये क्या है, प्यूरिन्स, एडनीन एंड ग्वानीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ये हम लोग के पास क्या है, ये हम लोग के पास यहाँ पर हैं पायरामिडिन्स। यूरासिल किस में, यू में, यू मतलब तुम ले लो, तुम ले लो, तो ये किस में होता है, आरएनए में होता है। थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है, बाकी सब में होते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। अब क्या होगा नेक्स्ट पोर्शन अपने पास, अब इन दोनों को हमने जोड़ा, ये क्या है,
नाइट्रोजन, ये क्या है? शुगर। तो अपने पास ग्लूकोज की याद आ रही है, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसकी हेल्प से जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगी तो उसका नाम क्या होता है यार हम लोगों के पास यहाँ पर, इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा, इसको बना के हम साइड में रख देंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को अगर मैं फॉस्फेट के साथ जाकर जोड़ दूं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हम लोगों के पास बनेगा, और वो दोनों के दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वो दोनों के दोनों मिलकर बना देंगे न्यूक्लियोटाइड। दैट्स इट। वो क्या बनेंगे हम लोग के पास, न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। क्या सभी लोगों को यहाँ तक सभी के सभी चीज़ें याद हो गई? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, कहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, कहाँ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, कहाँ अपने पास फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, कहाँ पे क्या चीज़ें हम लोग के पास है। एक एक चीज़ क्लियर, एक एक चीज़ सभी लोग को क्लियर, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ईच एंड एवरी थिंग। चलो यार, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने पास यहाँ पे ये हम लोग का हो गया नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, और ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। कौन सी चीज़ कहाँ पर जुड़ी हुई होगी, अब उसके बारे में अपने को थोड़ी सी बात करनी है। देखिए यार, अब तो टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय, अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर, फाइनली मैंने एक बना कर रख दिया न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनवाने के बाद मुझे क्या बनवाना था, न्यूक्लियोटाइड बनवाने के बाद मुझे यहाँ पर बनवाना था पॉली न्यूक्लियोटाइड। अगर मुझे पॉली न्यूक्लियोटाइड बनवाना है तो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मतलब ये एक तरीके से तुम लोग का ना पूरा फॉर्मूला चार्ट सा बन गया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड अपने पास किसकी हेल्प से जुड़े होंगे, अब एक बात बताओ, हम लोग के पास क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, हम लोग के पास क्या है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास हैं। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया, बनाना सिखा दिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना लिया, अब मुझे क्या बनानी है, पूरी चेन। तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो किसकी हेल्प से ये जुड़ते हैं, किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड की हेल्प से। अब इनको पूरा का पूरा जोड़ने के लिए मुझे इनका स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझाना पड़ेगा, कि हमने जो पार्ट्स के बारे में बात की वो तो ठीक है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा का पूरा, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग फटाफट से अब बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब सुनते जाना, देखो ये क्या है, ये है मेरे पास, इसकी बात मत करो अभी, बचे हुए पोर्शन की कोई भी अभी बात नहीं करेगा, हम सिर्फ पहले एक पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और वो एक पोर्शन क्या है, वो एक पोर्शन है मेरे पास न्यूक्लियोटाइड, वो एक पोर्शन मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है। अब तुम सभी लोगों को पता है कि अपने पास यहाँ पर ये किससे बना होता है न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड अपने पास तीन चीज़ों से बना होता है। नंबर वन चीज़ है ये मेरे पास यहाँ पर पेंटोज शुगर, मतलब पाँच, पेंटोज का मतलब पाँच। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच, तीन चीज़ें थी, पेंटोज शुगर थी, नाइट्रोजिनस बेस था और फॉस्फेट ग्रुप था। तो ये तो क्या है मेरे पास यहाँ पर, दिस इज माय पेंटोज शुगर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास है नाइट्रोजिनस बेस, तो पेंटोज शुगर हो गई, नाइट्रोजिनस बेस हो गया। और तीसरी चीज़ क्या थी मेरे पास, तीसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पर थी फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना था, वो तीनों की तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। तो शुगर खाना तो सबको ही खाना चाहते हैं, इसीलिए खाने को हमने किधर रखा है, खाने को हमने बीच की तरफ रखा है, दूसरे साइड मतलब बीच में रखा है इधर। फॉस्फेट भी खाने को खाना चाहता है, फॉस्फेट भी इसको खाना चाहता है,
ये भी इसको खाना चाहता है, वैसे याद करने के लिए बता रही हूँ बस कि वो बीच में है ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो लोग खाना चाहते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपने पास ये भी इसको खाना चाहता है, मतलब ये भी बीच में, ये भी इसको खाना चाहता है, ये बीच में अपन ने यहाँ पर रख दिया, तो बीच में क्या होगी, बीच में हमारी पेंटोज शुगर, एक साइड में अपने पास अपना नाइट्रोजनस बेस और दूसरे साइड में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ये तुम लोगों को अब जोड़ना आ गया। अब देखो वन बाय वन करके हमने यहाँ पर एक वर्ड बोला और वो वर्ड क्या बोला, ये देखो यार, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर कहाँ पर लिंक्ड थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये तो मैंने तुम्हें याद करवा दिया, लेकिन OH ऑफ फर्स्ट कार्बन पहले कार्बन के OH से जुड़े होते हैं। तो देखो यार तुम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों का है कार्बन 1, 2, 3, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट कार्बन के OH से ये हम लोगों के पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सबसे पहले कार्बन के साथ ये जुड़ा है, ठीक है, सबसे पहले कार्बन के साथ जुड़ा है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ये हम लोगों के पास यहाँ पर क्या बना रहा है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और फर्स्ट कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पर था फॉस्फोएस्टर लिंकेज, और फॉस्फोएस्टर लिंकेज अपने पास किससे जुड़ा था, 5-OH ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये अपने पास हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के 5-OH के साथ ये अपने पास फिफ्थ फॉस्फेट, 5 के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, 1 के साथ, इसका मतलब बीच में क्या, तीन चीज़ों से, न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर बनता है, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन सी, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये एकदम नंबर वन लोग हैं, तो किससे जोड़ूंगी, नंबर वन से जोड़ूंगी, और ये दोनों क्या हैं अपने पास, पेंटोज शुगर, लास्ट के बंदे हैं, आखिरी बंदे हैं, तो पेंटोज शुगर अपने पास यहाँ पर हो गया, तो पांचवे नंबर पर मैं इसको जोड़ रही हूँगी। याद करने का तरीका भी यार मैंने तुमको बता दिया कि एक से कौन जुड़ रहा होगा, पांच से कौन जुड़ रहा होगा, तो एक से अपने पास तीन चीजों से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किन तीन चीजों से मिलकर बना है, देखो देखो, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है जी, ये दोनों अपने क्या हैं, भाई भाई हैं, ये अपने भाई भाई हैं, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ रहे होंगे, और ये दोनों कहाँ पर जुड़ रहे होंगे, ये दोनों हम लोग के पास फिफ्थ पोजीशन के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं, तो तीन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना है, ये दोनों चीज़ें फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ रही हैं और ये दोनों चीज़ें फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जुड़ रही हैं, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जुड़ रही हैं। चलो जी ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास 1, 2 एंड 3, अब मुझे क्या करना है, इस न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ भी जुड़वाना है कि नहीं जुड़वाना है, जुड़वाना है हम लोग को, जुड़वाना है तो कहाँ पर जुड़वाएंगे, देखो 1, 5, 1 और 5 के बीच में 3 इक्वल, एकदम बिल्कुल इन्होंने मस्त बना रखा है अपना ट्रेंड 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 बीच में रख लो शुगर, बीच में क्या रख ली, शुगर, फर्स्ट पोजीशन पे एडनीन, फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट, और अपने पास तीसरी पोजीशन पर क्या होगा, तीसरी पोजीशन पर वो नए न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, तीन चीज़ें अपने पास यहाँ पर हो गई, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते जाएंगे और ये मिलकर क्या बना देंगे, ये मिलकर बना देंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो इधर अपने पास क्या है, इधर अपने पास 3-OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड, इस साइड में इसके पीछे जुड़ने वाला कोई भी नहीं है, क्या इसके पीछे जुड़ने वाला कोई है, फटाफट से बताओ, क्या इसके बाद जुड़ने वाला कोई है, यहाँ पे चेन खत्म हो गई, थर्ड पोजीशन पर जुड़ने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब अपने पास थर्ड पोजीशन वाला क्या बैठा है, थर्ड पोजीशन वाला अपने पास यहाँ पर फ्री बैठा है,
थर्ड पोजीशन वाला अपने पास यहाँ पर क्या बैठा है, फ्री बैठा है। इस वाले केस के अंदर यहाँ पर 5' एंड ऑफ राइबो शुगर, जिसको 5' एंड बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वो खाली हम लोग के पास यहाँ पर बैठा हुआ है, वो खाली हम लोग के पास बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस इधर वाले केस में थर्ड पोजीशन के साथ जुड़ने वाला कोई भी नहीं है, तो थर्ड पोजीशन के साथ जुड़ने वाला कोई भी नहीं है तो 3' खाली बैठा है। इस वाले केस के अंदर 5' फॉस्फेट के साथ जुड़ने वाला कोई भी नहीं है तो 5' क्या बैठा है, 5' खाली बैठा है। तो दिस पॉलीमर हैज फ्री फॉस्फेट मॉइटी एट 5' एंड ऑफ द राइबोज शुगर, मतलब 5' एंड ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर अपने पास क्या करने वाला था, ये फॉस्फेट मान लो इसको मैं, बाकी पूरी चेन यहाँ पर होती ही नहीं, तो ये जहाँ पर बैठा है वहाँ पर OH क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अपने पास 5' एंड जो है, OH तो फ्री नहीं होगा, 5' एंड पर फॉस्फेट होगा, 5' एंड फॉस्फेट शुगर का। और दूसरे वाले केस के अंदर अपने पास क्या हो गया, दूसरे वाले केस में 3' एंड। तो एक जगह पर 5' एंड और दूसरे पे, हाँ 5' बोल लो या 5' बोल लो, जो भी बोलना है तुम लोग को वो बोलो, अपनी अपनी श्रद्धा अनुष्का होती है। तो एक जगह पर 5' खाली है और दूसरे जगह पर 3' खाली है, एक जगह पर 5', दूसरी जगह पर 3', ठीक है जी। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे तो इनका बैकबोन कौन बना रहा है, बैकबोन कौन बना रहा है हम लोगों के पास, तो इनका बैकबोन इज ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। ये देखो अपने पास ये बैकबोन कौन बना रहा है, इसको हटाओ, ये देखो ये इसका, ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, बैकबोन के ऊपर, ये पूरी बैकबोन अपने पास इसके हेल्प से बनी हुई है, शुगर की हेल्प से और फॉस्फेट की हेल्प से, शुगर की हेल्प से और फॉस्फेट की हेल्प से बैकबोन हम लोगों के पास बनी है, ये पूरी की पूरी चेन हम लोगों के पास यहाँ पर हो गई। सो एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट टू, यार वो ये तो बस वो बता रहा है, व्हाट इज़ राइबोज, व्हाट इज़ डीऑक्सीराइबोज। तुम लोगों को पता होगा कि सेकेंड पोजिशन के ऊपर क्या होता है, सेकेंड पोजिशन के ऊपर OH ग्रुप जो है वो राइबोज में होता है, डीऑक्सीराइबोज के अंदर, नाम देखो क्या है हम लोग के पास, डी ऑक्सी राइबोज, मतलब डी ऑक्सी, वहां पर ऑक्सी ग्रुप को निकाल दिया गया है, कौन सी पोजीशन से, डी ऑक्सी राइबोज में 2' पोजीशन से OH को निकाल दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या हो जाता है, डी ऑक्सी राइबोज हो जाता है। तो अपने पास राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज इज एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम अपने पास हैं, लेकिन राइबोज तो अपना पूरा है, उसके अंदर हर जगह पर OH अपने पास लगे हुए हैं, और दूसरे का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज, मतलब अपने पास क्या होगा, वहां पर डीऑक्सी को, ऑक्सी को निकाल दिया जाएगा, कौन सी पोजीशन से निकाला जाता है, सेकंड पोजीशन से निकाला जाता है। तो एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2' पोजीशन, जबकि अपने पास अगर यहाँ पर क्या हो, हम लोगों के पास यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज हो, तो उस केस के अंदर 2' पोजीशन पे OH प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये आरएनए की बात कर रहा है यार, आरएनए की बात कर रहा है, ये आरएनए की बात कर रहा है, ठीक है। आरएनए के अंदर क्या होता है हम लोग के पास, थाइमीन की जगह कौन प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। व्हाट थाइमीन इज, थाइमीन हम लोग के पास क्या होता है, थाइमीन का दूसरा नाम अपने पास क्या होता है, थाइमीन का दूसरा नाम हम लोग के पास यहाँ पर होता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो थाइमीन का दूसरा नाम अपने पास होता है 5-methyl uracil, मतलब यूरेसिल की 5वीं पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो थाइमीन बन जाएगा, क्या होगा, थाइमीन आल्सो कॉल्ड एज 5-methyl thymine, यूरेसिल के 5th पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो थाइमीन बन जाएगा। दैट्स इट, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने एक एक चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट अपने पास है डिस्कवरी ऑफ DNA एंड डबल हेलिक्स मॉडल। अब डिस्कवरी कब हुई DNA की और डबल हेलिक्स मॉडल हम लोगों के पास क्या था, उन सभी चीज़ों के बारे में। यू डिजर्व बींग डिसलाइक्ड, हाँ थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू, एटलीस्ट व्यू तो दिया आपने, डिसलाइक करना या जो करना है कर दो,
ठीक है यार, यहाँ तक एक बार हल्का सा सभी लोग रिवाइज करो फटाफट से। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 1869 के अंदर जो डीएनए होता है हम लोगों के पास, दैट इज एन एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, वो अपने पास पहचाना गया। हम लोग के पास क्या पहचाना गया कि डीएनए जो होता है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है अपने पास, और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये हम लोगों के पास पहचाना गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको किसने आइडेंटिफाई किया था, इसको अपने फ्रेडरिच मिशर उस टाइम पे एसिडिक सब्सटेंस को उसने पता लगाया 1869 में। सोच रहे हो तुम लोग कितने टाइम पहले फ्रेडरिच मिशर ने इसका पता लगाया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या हुआ, उसका नाम उसने रखा न्यूक्लिन। ही कुड नॉट आइसोलेट इट ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस, उसको टेक्निकल लिमिटेशंस थी, वो इसको निकाल नहीं पाया, पर इसने बता दिया कि अपने पास न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। उसका क्या रोल होता है, उसका क्या रोल नहीं होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने को यहाँ पर उसने कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि वो उसको आइसोलेट नहीं कर पाया। ठीक है, डन, चलो ओके। 1953 के अंदर फिर मेन मॉडल अपने पास आया अपना, इसको सब ने वॉट लगा दी, इस मॉडल ने वॉट लगा दी, तो वॉटसन एंड क्रिक सारे रिकॉर्ड को क्रैक कर दिया। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, दोज पीपल प्रपोज्ड, अब वो डबल थे, वॉटसन एंड क्रिक साथ में रहते थे साथ में, तो कैसा मॉडल दिया उन्होंने, मॉडल भी दे दिया डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। तो 1869 के अंदर अपना एक डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस होता है उसकी तरह पहचाना, किसने पहचाना, फ्रेडरिच मिशर ने, रिची रिच ने पहचाना, न्यूक्लिन उसने इसका नाम दिया, लेकिन वो इसको टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से आइसोलेट नहीं कर पाया। 1953 के अंदर अपने वॉटसन और क्रिक ने उसको क्रैक कर दिया, तोड़ डाला, फोड़ डाला, मचा डाला। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक नया वो दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। क्या दिया हम लोग के पास, डबल हेलिक्स मॉडल दिया। और ये मॉडल किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये खुद भी दो थे, दो ही लोगों ने और रिसर्च मारा था इसके ऊपर, वो लोग थे बेचारे फ्रैंक, अपने फ्रैंक थे, और कुछ कर दिखाने की उनके अंदर विल थी, विल्किंस और फ्रैंक, वो इतने फ्रैंक थे, उन्होंने अपने मॉडल के बारे में सबको बता दिया, और वो सबको बता दिया, तो इनको वॉट लगानी थी सबकी बैठ के, इनने क्या किया, इनने उठा के इनकी वॉट लगा दी, उठा लिया इनका। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक, तो ये क्या होता है हम लोग के पास, प्रपोज्ड डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने क्या प्रपोज किया, डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। टेंशन मत लो, वो मेरा एकदम से कई बार मूड खराब होता है, उस टाइम पे स्पैमर को देख के मेरा जरा सा मूड खराब हो गया था, इस चीज़ की टेंशन तुम लोग को बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ कि जब से आधे लोग बस दिल दिल के निशान भेजे जा रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस करो, आई विल बी मोर हैप्पी। कमेंट मत देखो, आई एम नॉट दैट वीक जितना तुम मुझे समझ रहे हो, मैं उतना वीक भी नहीं हूँ। ठीक है, कई बार हो जाता है यार, एकदम आप नेगेटिविटी हो, ऑलरेडी मैं धूप में घूम के आई थी, तुम लोग की एक PDF के ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग PDF है, लोग नहीं मिल रहे हैं, काम करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, टाइप मुझे करवाना है, कोई इंसान नहीं मिल रहा है टाइप के लिए, तो थोड़ा सा मूड जो था वो ख़राब था आने के बाद। फिर ऐसे आप इतनी गंदी चीज़ देखते हो ना, ऐसी चीज़ें जो आप अपनी माँ को बहन को कभी बोल नहीं सकते, ऐसा कमेंट दिख जाता है तो फिर थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोगों को एटलीस्ट टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल बी मोर हैप्पी अगर तुम लोग यहाँ पे सीरियसली बैठ के पढ़ रहे होगे, यहाँ किसी को भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ यहाँ पर कोई भी कमेंट ना करे,
माई सिंसियर रिक्वेस्ट, दैट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग कोई भी कमेंट ना करें, ठीक है, कोई भी कमेंट ना करें, लास्ट में करके चले जाना वीडियो के नीचे, अभी मत करो तुम लोग। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग यार हज़ार लोग तो बैठे हैं, हज़ार लोग तो बैठे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, तो मत करो तुम लोग, टाइम वेस्ट होगा, अपना पढ़ाई पे ऊपर फोकस करो। तो अपने पास क्या हो गया, हम लोग के पास 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। दूसरा अपने पास क्या हो गया, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ये क्या थे हम लोग के पास, ये अपने फ्रैंक लोग थे, इन्होंने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा अपना सबको बता दिया, सबको अपने पास बता दिया, उसी का यूज करके अपनी वॉट लगा दी, किसने, जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने सबकी वॉट लगा दी हम लोग के पास। देयर प्रपोजिशन वॉज बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, इट वॉज बेस्ड ऑन एरविन चारगेव्स ऑब्जर्वेशन फॉर डबल स्टैंडर्ड रेशो बिटवीन एडनीन एंड थायमीन एंड ग्वानीन एंड साइटोसिन आर कॉन्स्टेंट एंड डैट इज इक्वल टू वन। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे अपने पास वॉटसन एंड क्रिक कितने खतरनाक, मतलब उसके साथ बैठे थे, ठीक है, कितने खतरनाक उसके साथ बैठे थे, तुम लोग सोच के देखो। क्या है हम लोग के पास, अपने पास मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड निकाला, उनका भी इन्होंने उठा लिया। अपने पास यहाँ पर किसने, अपने पास यहाँ पर बेस पेयरिंग का प्रपोजिशन अपने पास दिया, ठीक है, तो उसको भी क्या कर लिया, उसको भी इन्होंने उठा लिया, उसको भी इन्होंने उठा लिया, और सारे का सारा कंबाइन करके मिलाकर और क्या बना दिया, अपना मॉडल इन्होंने दे दिया। दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या क्या थी अपने पास, अपने इनने फ्रैंक लोगों ने तो क्या दिया था, इन्होंने एक्सरे, अपने अंदर का सारा दिखा दिया, कच्चा चिट्ठा, अपने अंदर का सारा कच्चा चिट्ठा दिखा दिया, ऐसे सोच लो तुम लोग, ऐसे सोच लो तुम लोग, अंदर का कच्चा चिट्ठा सारा दिखा दिया इन्होंने, अपना एक्सरे दिखा दिया, इतने फ्रैंक लोग थे। और दूसरे क्या है अपने पास, चार गेफ, तीन चार, गिन रहा है बेचारा, काउंटिंग कर रहा है अपने पास बेचारा, तीन चार, चार गेफ्स, चार गैप्स रूल, मतलब उसने काउंटिंग करी, काउंटिंग किस क्या करी हम लोग के पास, एडनीन और थायमीन कितने प्रेजेंट हैं, ग्वानीन और साइटोसिन कितने प्रेजेंट हैं, उनकी काउंटिंग करी बेचारे ने, उसका भी यूज़ करके हमने क्या दे दिया, हमने यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया। अब डबल हेलिक्स मॉडल के फीचर्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं, क्या होता है हम लोग के पास डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल कहता है सबसे पहली बात, अपना डीएनए जो है वो सिंगल नहीं है, अब तो डीएनए भी डबल हो गया, हम पता नहीं कब डबल होंगे, हम ही सिंगल रह गए यार, देख लो डीएनए भी डबल हो गया अब तो। तो प्लीज़ गाइस फटाफट से अपना कुछ इंतज़ाम करें सभी लोग, और कोई भी बुरा नहीं मानेगा, डीएनए से कोई भी जेलसी फील नहीं करेगा। तो सेलियंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के क्या सेलियंट फीचर्स हम लोग के पास यहाँ पर थे, डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। और बैकबोन कौन बना रहा था, सबको पता है बैकबोन बना रहा था हम लोग के पास हमारा शुगर और हमारा फॉस्फेट, एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेस क्या कर रहा था, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा था। ये देखो ये रहा अपने पास, ये रहा हम लोग के पास, ये क्या है अपने पास, देखो साफ साफ अपने को दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहे थे हम लोग के पास, ये बीच में अपने पास बैठा था, शुगर कहाँ बैठी थी, बीच में, इधर पी इधर ए, ये कहाँ पर बैठा था, बीच में बैठा था, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे अपने पास बैकबोन। ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसके जस्ट सामने एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आएगी। अब डीएनए के अंदर क्या होना स्टार्ट होगा, डीएनए में भी होगा बाबू सोना जादू टोना होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो अपना न्यूक्लियोटाइड सॉरी ये अपना जो नाइट्रोजिनस बेस वाला पोर्शन है, ये इधर वाले डीएनए जो इधर वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसके नाइट्रोजिनस बेस वाले पोर्शन के साथ क्या बना रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज माय शुगर, दिस इज माय फॉस्फेट,
दिस इज माई नाइट्रोजिनस बेस, ऐसे ही अपने पास क्या है, ये मेरी शुगर, ये मेरा फॉस्फेट, ये मेरा नाइट्रोजिनस बेस, ये मेरा नाइट्रोजिनस बेस। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरे नाइट्रोजिनस बेस के साथ मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड। अब इनकी शादी हो गई, अब डीएनए सिंगल नहीं, अब डीएनए हो गया डबल। ये अपना सिंगल, अपना डीएनए यहाँ पर नहीं रहा, तो डीएनए अपना यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों का डीएनए यहाँ पर हो गया डबल। ठीक है जी, तो अपना ये डीएनए क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर डबल हो गया। अगर ए और टी, ए और टी शादी करते हैं तो कितने बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, दो बॉन्ड होते हैं। अगर जी और सी शादी करते हैं तो उस वाले केस के अंदर तीन बॉन्ड होते हैं। तो अपने पास ए एंड टी के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जी एंड सी के अंदर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने पास यहाँ पे होते हैं। तो सेलियंट फीचर क्या होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, चलिए जी देखो, दिस इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या ये हम लोगों का डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, हाँ जी बना है। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसके अंदर शुगर और फॉस्फेट तो क्या कर रहे हैं, बैकबोन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। नाइट्रोजिनस बेस क्या कर रहा है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। नेक्स्ट फीचर देखो, दो चेन हैव एंटी पैरेलल मॉइटी, मतलब एक अपने पास पांच से तीन, एक अपना तीन से पांच, तो एक तो किधर से किधर अपने पास यहां पर होगा, इसका फाइव डैश एंड। अब तुम लोग को पता चल गया ना फाइव डैश एंड कौन सा होता है और थ्री डैश एंड कौन सा होता है, तो एक वाले केस में फाइव डैश एंड और इधर क्या होगा हम लोग के पास थ्री डैश एंड, जबकि इसका यहां पर फाइव डैश एंड है और इसका यहां पर थ्री डैश एंड है, मतलब ये क्या है, ये एंटी पैरेलल है। अगर इस वाले को देखूं तो ये किधर है, थ्री फाइव डैश से थ्री डैश, ये किधर है, थ्री डैश से फाइव डैश। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, यही बोलते हो ना तुम लोग, यही बोलते हो ना, बाबू सोना जादू टोना अगर बोल दे तुम लोगों को, अगर बाबू सोना जादू टोना तुम लोग को बोल दे कि हम वी आर सो डिफरेंट, तुम्हारा यही डायलॉग होता है, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे ही अपना भाई डीएनए था, उसने क्या कहा, उसने कहा मैं 5' से 3' हूँ, तुम 3' से 5' हो, वी गाइस आर जस्ट ऑपोजिट, वी गाइस आर जस्ट एंटी पैरेलल, हम लोग के बीच में बॉन्ड कैसे बन सकता है। डीएनए ने बोला अरे ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर बाबू, ठीक है हो गया। तो अपने पास डीएनए क्या होता है, डीएनए हम लोगों का दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नंबर वन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नंबर टू, एक क्या हो गया 5' से 3', दूसरा क्या हो गया 3' से 5', ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, दीज आर जस्ट एंटी पैरेलल, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एडनीन और थायमीन के बीच में कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड, तीन बॉन्ड हम लोगों के पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इसने बोला अच्छा ये तो मुझे पता चल गया एडनीन और थायमीन, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि एडनीन के सामने थायमीन आ रहा है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ रहा है, मतलब प्यूरीन के सामने पायरामिडीन, प्यूरीन के सामने पायरामिडीन, मैंने कहा हाँ जी प्यूरीन कम अपोजिट टू पायरामिडीन, प्यूरीन प्यूरीन से नहीं जुड़ेगा, प्यूरीन किससे जुड़ेगा, पायरामिडीन से, एडनीन किससे जुड़ रहा है, थायमीन से, ग्वानिन किससे जुड़ रहा है, साइटोसिन से, ठीक है जी। तो ये हम लोग के पास क्या करेंगे, ये एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी रखेंगे यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों स्ट्रैंड्स का, अगर हमेशा ए टी के साथ जुड़ रहा है, हमेशा जी सी के साथ जुड़ रहा है, तो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहेगा ना यार, कभी भी अपने को दिक्कत आएगी नहीं। तो तीन पॉइंट्स मैंने अभी तक पढ़ लिए, किसके, डबल हेलिक्स मॉडल के तीनों पॉइंट्स देखो तुम लोग को इसी डायग्राम की हेल्प से फटाफट से तुम लोग को याद करवा रही हूँ। क्या क्या था हम लोग के पास, पॉइंट नंबर वन था कि यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड चेन, दो न्यूक्लियोटाइड चेन, जिसमें अपने पास शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बना रहे हैं, और ये हम लोग के पास ये क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
अपना नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, चलो ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास है ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, 5' से 3', 3' से 5', ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग के पास है इन दोनों के बीच में ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 बॉन्ड, और ये हमेशा प्यूरीन किसके सामने आ रहा है, हमेशा पायरामिडीन, प्यूरीन के सामने पायरामिडीन, प्यूरीन के सामने पायरामिडीन, जिसकी वजह से अपना एक डिस्टेंस जो है वो भी कॉन्स्टेंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, दोनों की दोनों चेन इस तरीके से अपनी ये चेन होती हैं। यहाँ पे तो क्या अपने पास है, यहाँ पे तो ये हम लोग को सीधी सीधी सी चेन अपने को नज़र आ रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर अपने पास होता है। ये दोनों चेन्स जो तुम लोग को ऐसे सीधे नज़र आ रही है ना, ये ऐसे नहीं होती है, असल में ऐसे लिपटी हुई होती हैं तो ये दो ही चेन हैं, तो ये दो ही चेन, लेकिन ये ऐसी लिपटी हुई है। क्या हेलिक्स अब बना, क्या हेलिक्स अब बना, अब हेलिक्स बना, अब हेलिक्स हम लोग के पास बना, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास यहाँ पर हेलिक्स बन रहा है। तो 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, दोनों की दोनों चेन्स कैसे कॉइल्ड हैं, राइट हैंडेड फैशन के अंदर कॉइल्ड अपने पास यहाँ पर हैं। तो पिच ऑफ द हेलिक्स इज, हेलिक्स का पिच कितना है, हेलिक्स का पिच 3.4 नैनोमीटर। अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास 10 बेस पेयर्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, मतलब ये पूरे का पूरा कितने से मिलकर बना है, 3.4 नैनोमीटर। और कितने बेस पेयर्स हैं यहाँ पर, अगर ऐसे मैं टोटल कैलकुलेट करूँ, बेस पेयर्स का मतलब क्या होता था, न्यूक्लियोटाइड का पेयर, मतलब असल में गिना जाए तो 1, 2, 3, 4 कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। सीधे सीधे शब्दों में मैं वही पूछ रही हूँ कि कितने न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को मिलाकर क्या कह दूंगी, इन दोनों को मिलाकर बेस पेयर कह दूंगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर कितने हैं, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है अपने पास, पूरी की पूरी लेंथ हम लोग के पास है 3.4 नैनोमीटर, और टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो साफ साफ तुम लोग को पता है यहाँ पर अपने पास कितना है, हम लोग के पास 0.034 नैनोमीटर एक बेस पेयर के अंदर अपने पास डिस्टेंस है। सीधे सीधे शब्दों में मैंने क्या कहा, ये अपनी क्या थी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे ना होकर आपस में क्या होती हैं, हेलिकली वाउंडेड होती हैं। हेलिकली वाउंडेड होने की वजह से कैसे फैशन में, राइट हैंडेड फैशन के अंदर। टोटल कितने उस कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, और टोटल कितने बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स, 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरे 10। तो अगर एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पूछूं तो वो कितना हो गया, 10, देखो 10 बेस पेयर्स का डिस्टेंस 3.4, तो एक का कितना होगा, 3.4 / 10 मतलब 0.34 बेस पेयर्स, ठीक है। तो ये भी तुम लोग को यहाँ पे याद हो गया। लास्ट पॉइंट इज, प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। ये क्या है, ये एक का प्लेन, ये दूसरे का प्लेन, एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर गट्ठा अपने पास बना रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी अपने को मिलती है, एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। अगर मेरा ये हाथ एक दूसरे को ये ऐसे सहारा दे रहा है, मान लो ये मेरा वीक था, इसको सहारा अपने पास यहाँ पर दे रहा है, तो सहारा अगर अपने पास दे रहे हैं, तो सहारा दे रहे हैं, तो स्टेबिलिटी हम लोग को मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को स्टेबिलिटी मिलती है। क्या सभी लोगों को ये पूरा का पूरा पोर्शन समझ में आ गया, सेलियंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, फिर हम लोग को जेनेटिक मटेरियल की तलाश में हम कल निकलेंगे, आज हम लोग सेंट्रल डॉगमा को खत्म करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है, एक तो हमने ऑलरेडी लेट स्टार्ट किया था, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो कल प्लीज़ इस चैप्टर को आप लोग देख लेना, इस पूरे के पूरे चैप्टर को कल हम लोगों का ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नई अपना इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, अपनी फिर ये वाली यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलो, अब देखो ये पूरा का पूरा आई गेस तुम लोगों को याद हो गया होगा।
चलो, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल कुत्ते की माँ। मतलब अगर इंग्लिश देखें तो यही है ना यार, सेंट्रल डॉगमा, डॉग की माँ, कुत्ते की माँ। तो दिस इज, आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो व्हाई दिस इज डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कि सेंट्रल कुत्ते की माँ क्या कह रही है, देखो यार, फ्रैंकिस क्रिक ने एक प्रेज अपने, अच्छा क्रिक भाई साहब का इतना क्रैक हो चुका है दिमाग से कि उसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक सेंट्रल कुत्ते की माँ दी है। देखते हैं यार अपने पास, फ्रैंकिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डॉग की माँ, सेंट्रल कुत्ते की माँ अपने को किसने दिया है, फ्रैंकिस क्रिक ने दी है। चलो ठीक है जी, उन्होंने क्या बोला, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, डीएनए फिर आरएनए में बदलता है, आरएनए से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन। इससे पहले कि मैं चैप्टर में आगे बढ़ूँ, तुमको सीधे सीधे शब्दों के अंदर एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, हर चीज़ प्रोटीन की वजह से हो रही है। मतलब मान लो मेरा नाक है, तो कोई, मेरा नाक ऐसा है तो मेरी बॉडी में कोई ना कोई प्रोटीन बना होगा जिसकी वजह से मेरी ये नाक ऐसी है। हर करेक्टर मेरे अंदर जो भी नज़र आ रहा है ना, वो सब प्रोटीन की वजह से नज़र आ रहा है, वो सब की सब चीज़ें प्रोटीन की वजह से नज़र आ रही है। मान लो मेरी उंगली ऐसी है, तो ये उंगली तुम लोग को ऐसी क्यों नज़र आ रही है, ये प्रोटीन की वजह से नज़र आ रही है। तुम लोग को ये हाथ ऐसा है, तो ये हाथ ऐसा क्यों नज़र आ रही है, तुम लोग को प्रोटीन की वजह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो गया यार, यहाँ पे हम लोगों के पास दिस इज डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। फाइनली जो भी कैरेक्टर्स मेरे अंदर नज़र आएंगे, मेरी शक्ल कैसी होगी कैसी नहीं होगी, जो ये इतनी भद्दी शक्ल है ना, मतलब मेरे अंदर प्रोटीन्स गंदे बने थे, मेरे प्रोटीन जो थे वो ढंग के नहीं बन पाए, प्रोटीन ही एट लास्ट हर कैरेक्टर को आपका शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पापा से, मेरी मम्मा से मेरे अंदर क्या पास हुआ, मेरे अंदर पास हुआ डीएनए। अब मुझे मेरी नाक बनवानी है, मुझे मेरी नाक की शेप बनवानी है, इस डीएनए को मैं किस में कन्वर्ट कर रही होंगी, एमआरएनए में कन्वर्ट कर रही होंगी, जो मैसेज पहुंचवाएगा किसके पास, और वो प्रोटीन फाइनली हम लोग के पास बनवा देगा, और ये प्रोटीन मेरी शक्ल बनवा देगा। एट लास्ट अपने को जेनेटिक्स से करना क्या है, एट लास्ट अपने को जेनेटिक्स से अपने स्ट्रक्चर वगैरह चीज़ें ही तो बनवानी है ना, स्ट्रक्चर वगैरह वही सब चीजें तो अपने को बनवानी है। ठीक है, तो बस दैट्स इट, अपना क्या है डीएनए, डीएनए क्या बनाएगा, अपना मैसेज पहुंचवाने के लिए एमआरएनए बनवाएगा, और एमआरएनए क्या बनवा देगा, प्रोटीन्स बनवा देगा, अपने एंजाइम्स बनवा देगा, जिसके बाद जो भी पर्टिकुलर जिस भी चीज की मुझे जरूरत थी वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, डीएनए से आरएनए बनाने वाली प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने वाली प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया कि ले बहन ऐसे चीजों को कर, मैं तुझे ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने पास क्या है डीएनए, डीएनए को हमने किस में बदल दिया, आरएनए में, आरएनए को हमने किस में बदल दिया, प्रोटीन में। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ये कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसलेशन। ठीक है, और अगर डीएनए से ही वापस डीएनए बनवाना है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दोबारा से उसको रेप्लीकेट करना, दोबारा से उसको रेप्लीकेट करना। हर टाइम पे मुझे प्रोटीन थोड़ी ना चाहिए होगा, हर टाइम पे मुझे नाक थोड़ी ना बनवानी है, हर टाइम पे मुझे कोई ना कोई करेक्टर थोड़ी ना बनवाना है, बाकी तो मुझे डीएनए को भी रेप्लीकेट करवाते रहना ना। मान लो मेरा क्या हो गया, मान लो मेरा सेल यहाँ से टूट गया, मेरा सेल यहाँ एक खराब हो गया, खत्म हो गया, तो अब ये रेप्लीकेट करा देगा, नया डीएनए मुझे चाहिएगा, नया सेल मुझे बनवाना है।
ठीक है जी, तो अपने पास क्या हो गया, डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन, डीएनए से डीएनए बनवाना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनवाना ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर तुम लोग को कैलकुलेट करना है कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तुम लोग को सबको पता है, एक बात बताओ, अगर मेरी लेंथ तुम्हें पूरी की पूरी पता चलानी है तो मेरे अंदर कितने बेस पेयर्स थे, मेरे अंदर थे 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, और दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, 0.34 नैनोमीटर। बस गिन लो 0.34 नैनोमीटर तुम लोग के पास था, तो अगर एक के बीच में डिस्टेंस इतना है, टोटल अपने पास कितने हैं, टोटल हम लोग के पास बेस पेयर्स हैं 3.3 × 10⁹। न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, बेस पेयर्स तो न्यूक्लियोटाइड का डबल होता है ना, तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 6.6 × 10⁹ × 0.34। बस कैलकुलेशन तुम्हारे पास आ जाएगी, 2.2 मीटर डीएनए कितना होता है, 2.2 मीटर का होता है। डन। इसके बाद का पोर्शन कल से करें, इसके बाद का पोर्शन यार हम लोग कल से करते हैं, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स कल याद करने हैं हमको, फिर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब चीज़ें करेंगे। कल वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो मेक श्योर गाइस कि आप लोग कल एग्जैक्टली 5 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हों, और कल वाला लेक्चर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, इस चैप्टर को हम लोग कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज हमने इस लेक्चर को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, राइट। और टेलीग्राम चैनल तुम लोग ज्वाइन कर लो, आज मुझे तुम लोगों को एक मैं अभी एक सेशन शेड्यूल कर रही हूँ, जिस सेशन का शेड्यूल आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसका नाम है रक्षिता सिंह, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आगे हम लोग को कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, नीट पोस्टपोन का सोच के कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितने एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं, वॉट शुड बी द अल्टीमेट थिंग दैट वी कैन डू फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स। वैसे तो 1.5 मंथ्स बचे नहीं है, बट वट वी कैन डू फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ्स, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को लिंक वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस सेशन का। ठीक है जी, हाँ कल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जाएगा सेशन, इंडीड जाएगा, कोई बात नहीं यार, जितना भी पोर्शन तुम लोग का हुआ है आज, उसको रिवाइज कर लेना, बचे हुए पोर्शन को। ठीक है, ओके।